सुमान, क्या हुआ? हमें लगता है कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों, क्यों नहीं होगी? इसलिए कि ये समाज नहीं मानेगा। क्या नहीं मानेगा सुमन? शादी के बाद मेरी पढ़ाई। सुमन, तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ, यही तो एक सपना है मेरा, पढ़ना। सुमन, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा सपना मेरा सपना। अब क्या हुआ सुमन? लेकिन हम पराई भी नहीं होना चाहते, क्योंकि कहते हैं लोग कि लड़कियां पराई हो जाती हैं। मुझे अपने माँ बाप के साथ रहना है, उनकी सेवा करनी है, और मेरे सिवा उनका है ही कौन। सुमन, कौन कहता है कि तुम पराई हो जाओगी? देखो मेरी तरफ देखो, तुम अपने माँ बाप के प्रति सब जिम्मेदारियां निभाओ बस। पर वो तब होगा ना जब मैं उनसे मिलने जा सकूंगी, क्योंकि वो कभी अपने कष्ट बताएंगे नहीं, और हम ही को उन्हें मिलने जाना चाहिए। सुमन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, अब तुम्हारे दुख मेरे दुख बस। सच्ची? मुच्ची। लेकिन जालिम जमाना ये होने नहीं देगा, हमारा मिलन नहीं होने देगा। सुमी, सुमी।